पीसफुली मार्च कर रहे तो पता चला कि प्रशासन से एक लव लेटर आया। सोचिए मैं तो फिर से हैरान हुआ हूँ, एक लव लेटर हमको भी भेज देता बोलते हुए कि आप स्टूडेंट्स पे हमला हुआ हम इसको कंडेम करते हैं। ये तो नहीं किया, बट उसको इस बात पे चिंता है कि स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए उस हमले के खिलाफ, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं उसके प्यारा प्यारा जो संगठन है उसका बदनामी ना हो जाए। जब एवीपी के लोग सौरभ शर्मा के नेतृत्व में लोगों को चुन चुन के मार रहे थे, वहां पे सिक्योरिटी निस्सहाय होकर खड़ा रहा, कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसको ऊपर से आदेश था उनको छोड़ दी। जैसे आज दिल्ली पुलिस सुबह से, आप सोचिए कैसा लोकतंत्र हमारा है, 100 लोगों का भीड़ पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है, टीचर्स ह्यूमन चेन बनाए हुए हैं, मैं अकेला बैठा हूं अपने दोस्तों के साथ, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रहे हैं उसको बाहर छोड़ दो, जिंदा काट देंगे उस आतंकवादी को, बाहर छोड़ दो। ये कैसा लोकतंत्र है, पुलिस वहां पे मौजूद है बंदूक के साथ, अपना संख्या के साथ, उन्होंने मोबिलाइज नहीं किया, हमारे टीचर्स वहां हमारे साथ खड़े रहे, पुलिस नहीं आई। हॉस्टल वार्डन्स का एक मीटिंग हुआ, बोला 10 बजे के बाद कोई हॉस्टल में घुसेगा नहीं जो बाहर से है। आज मेरे खुद के हॉस्टल का वार्डन बुद्धा सिंह है और वो उस भीड़ में मौजूद था जो मुझे खुलेआम पुलिस स्टेशन में डेथ थ्रेट दे रहा था। और उसी हॉस्टल में मैं सुबह से मुझे बोला गया था पुलिस के थ्रू भी कि आप अगर हो सकता है कि उस हॉस्टल में आज मत जाइए, तो मैं कहीं और आज हॉस्टल में रुका था। आप ये सोचिए, गार्ड मुझे रोक के बोलता है आपको इस हॉस्टल में घुसने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप इस हॉस्टल के रहने वाले नहीं है। मैं कुछ बोला नहीं उस गार्ड को क्योंकि वो भी ऊपर से आदेश ले रहा है और वो भी ये आदेश ले रहा है कि स्टूडेंट का आईडी कार्ड चेक करना है। अब ये सोचिए, पूरा कर्फ्यू का माहौल इस कैंपस में, सेक्शन 144 लगा दिया है, ढाबे को बंद करा दिया गया है, महिलाएं लड़कों का हॉस्टल में नहीं जा सकते, एक लड़का दूसरे लड़के के हॉस्टल में जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकता। हाँ जरूर वो एवीपी के लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अभी भी मॉब को इकट्ठा करके लोगों को मार सकते हैं, ये दिखाना चाहता है। शेम। जो हिंसा हुआ उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाह रहा है क्योंकि वो जानता है उसने कहीं ना कहीं प्रशासन अपने साइलेंस के थ्रू इस हिंसा में वो शामिल है और इस हिंसा के चलते हुए वो इस कैंपस का पूरा कल्चर को बर्बाद करने चाहता है, जो हम जिस बेक ऑफ आजादी की बात करते हैं, जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को, प्रोग्रेसिव कल्चर को इस कैंपस में हमने एस्टैब्लिश किया, वो हमसे छीनना चाहता है। ये शटडाउन 3.0 है, इसको मानना पड़ेगा आपको कि ये बोला जा रहा है कि मीडिया आएगा नहीं कैंपस के अंदर। मैंने बोला भाई इसका ऑर्डर कहाँ पे है, बोलता है वाइस चांसलर ने ओरली बताया। अरे भाई कौन सा ऐसा ओरल ऑर्डर है भाई। इसीलिए आप सब लोगों से अपील है, ये जो एकता हम लोगों ने दिखाया है इसको आगे बढ़ा के उस सारे पॉलिसीज को डिफीट करना पड़ेगा जो शटडाउन 3.0 के नाम पे हमारे कैंपस में लागू करने जा रहा है। हम लोगों को समझना पड़ेगा ये पूरा एक प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है ताकि सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाया जाए, ताकि जैसे मैंने बोला इस कैंपस में कर्फ्यू लगाना चाहता है, इस कैंपस में वो शाखा वाला सिस्टम लागू करना चाहता है कि 10 बजे हम सो जाते तो आप भी 10 बजे सो जाइए, हम खाकी निक्कर पहनते तो आप भी पहन लीजिए और सुबह सवेरे हमारे साथ लाठी ले लीजिए, अगर मौका मिले तो आप भी मॉब लिंचिंग करने चले जाइए हमारे। तो हम लोग को आज इकट्ठा होकर इसको खारिज करने का जरूरत है और ये बोलते हुए कि जो जो पॉलिसी लागू करेगा इस कैंपस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हम वादा लेते हैं कि लड़ेंगे और उस पॉलिसी को डिफीट करेंगे अगर उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लेता है जिन्होंने हिंसा किया है। हम लोग तुरंत एक मूवमेंट चलाएंगे, शुरू करेंगे वाइस चांसलर को हटाने के लिए।